स्पोर्ट्स जो है ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें क्या शामिल है, फिजिकल एक्सर्शन, हमारी जिस्मानी मशक्कत शामिल, एंड स्किल इन विच एन इंडिविजुअल टीम कंपेट्स अगेंस्ट वन अनदर। ठीक है, इसमें हम एक टीम वर्क करते हैं जिसमें इट इज़ ऑलवेज गवर्न बाय सेट ऑफ रूल्स, और इसको एक सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक जो है इसको बनाया जाता है। स्पोर्ट इज़ अ मीन्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, ये एक हमारी मेंटल मतलब जहनी और जिस्मानी नशोनुमा जो है इसको बेहतर करती है। और ड्यूरिंग स्पोर्ट्स वी कम टू लर्न मैनी थिंग्स, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वी लर्न हाउ टू टैकल द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था इसके बारे में कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को किस तरह से टैकल करते हैं। वैन टीम्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज प्ले टुगेदर, ठीक है, डिफरेंट रीजन के लोग और कंट्रीज के लोग जो हैं वो मिलकर प्ले कर रहे हैं। अ सेंस ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड पॉजिटिव कंपटीशन इज डेवलप, उनके दरमियान एक फ्रेंडलीनेस एंड पॉजिटिव कंपटीशन डेवलप होता है। ठीक है, पाकिस्तान इज स्पोर्ट लविंग, पाकिस्तान भी एक स्पोर्ट लविंग नेशन है, कौम है। देर आर मैनी रीजनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज इन पाकिस्तान एवरी ईयर, तो यहाँ हर साल बहुत ज़्यादा जो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, पीपल पार्टिसिपेट इन दम विद ग्रेट ज़ील एंड ज़ेस्ट,
लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान स्पोर्ट वॉज क्रिएटेड इन 1962 में, इसको क्रिएट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द पर्पस ऑफ दिस बोर्ड इज़ टू प्रमोट एंड डेवलप यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड प्रिवेलिंग इंटरनेशनली। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब आपने ये 1, 2 and 3 पैराग्राफ को रीड आउट करना है और इसकी आपने जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसके वर्ड हैं उनके मीनिंग भी आपने राइट डाउन करना है। ठीक है, अपनी बुक्स पे। नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।